बारवाटी धौली एक्सप्रेस को स्वागत करछि मु मंदाकिनी। प्रथम देखिबा हेडलाइंस। गांधी मार्ग रे राज्यस्तरीय साधारणतंत्र दिवस पालित, पताका उत्तोलन करि अभिवादन ग्रहण कले राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, सम्मानित अतिथि भाबे मुख्यमंत्री को योगदान। राज्यर प्रमुख पार्टी ऑफिस रे करा जाइछि पताका उत्तोलन। ग्यास बेलून विस्फोरण को 20 वर्ष प्रतिश्रुति रे रही जाइछि सरकारी सहायता। 20 वर्ष हेब अंधारी मूलक रे पीड़ित, एबे भी सरकारी सहायता को अपेक्षा। कटक रे कनिका राज परिवार रे विभत्स हत्या, घरोई कळी को कनिका राजांको नातुनी बहू को हत्या कला पुओ, अभियुक्त बिडानासी थाना रे अटक। बापूजी नगर पंजाब नेशनल बैंक रो पूर्वतन चीफ मैनेजर गिरफ, जाल कागजपत्र जरिया रे 3,68,00,000 ठकई अभियोग। मैनेजर को सह फील्ड ऑफिसर एवं मध्यस्थी को अरेस्ट कला ईओडब्ल्यू। कोविड को नहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों प्रतिक्रिया, कोरोनार केबे भी हेब नहीं अंत। वायरस रो गोटिए परे गोटे वेरिएंट आसिब, ओमिक्रॉन प्रभाव कमिगले हुए तो आसी परे नुआ वेरिएंट। आज राज्य में 7,426 कोरोना संक्रमित। शास्त्रीय संगीतरु पद्मश्री, स्वर से ओडिशावासी मन जीति स्वर साम्राज्ञी डॉक्टर श्यामामणि देवी पद्मश्री पुरस्कार पर मनोनीत। भारतर सर्वोच्च सम्मान पाखक पहुंचला संगीत कलार निशा, कहले महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद सबु संभव। स्नेह आदर आगरे हारी जाइछि हिंस्रता, मनीष प्रेमरे 6 मास सिंह शावक वर्षा, माँ पाखरे पसाउ नथिबा बेले आदरी नेइछन्ति पशुपालक प्रशांत। स्नेह प्रेमर बड़ उदाहरण मनीष एवं पशुर एही संपर्क। आसबाबे संपूर्ण खबर को। कोविड कटकणारे पालन होइछि 73तम राज्यस्तरीय साधारणतंत्र दिवस। मुख्य अतिथि भावे राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल पताका उत्तोलन करथिबा बेले सम्मानित अतिथि भावे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जोग देथिले। राज्यर तीनोटी प्रमुख दलय कार्यालय रे साधारणतंत्र दिवस निराडंबर भावे पालित हो जाइछि। सेपटे ट्वीट करी राज्यवासी एवं देशवासी को शुभेच्छा जणाइछन्ति तीन केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव एवं विशेश्वर टुडु। राज्य पड़ुछि 73तम प्रजातंत्र दिवस। कोविड कटकणा भितरे राज्यव्यापी साधारणतंत्र दिवस अनुष्ठित। भुवनेश्वर महात्मा गांधी मार्ग से पालित हो जाइछि 73तम राज्यस्तरीय साधारणतंत्र दिवस। गणतंत्र को सम्मान जणाई चलित वर्ष मध्य कोरोना कटकणारे एहा पालन करा जाउछि। एथरे मुख्य अतिथि भाबे राज्यपाल गणेशी लाल पताका उत्तोलन करथुवा बेले सम्मानित अतिथि भाबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जोग देथिले। कोविड कटकणा पई चलित थर कौन स्कूल छात्रछात्री को परेड्रे भाग करा जाय नाही। कोविड पई मात्र 10टी ट्रुप एथरे परेड्रे भाग नेथिले। एतिमध्ये रहितला पुलिस रो 2टी ब्रास बैंड। प्रथम थर पई बीएसएफ रो एक दल परेड्रे भाग नेछि। आज तो आपण माने जानथिबे देखी परथिबे केमे कोरोना कटकणा भितरे अल्प संख्यक परेड यूनिट को नै कि आज करा जायछि। तेणु यहीटा मध्य सारा राज्य में यह भाई कटका सहित आज आम पालन करुचे साधारणतंत्र दिवस 73तम साधारणतंत्र दिवस जो राज्यस्तरीय साधारण दिवस यही महात्मा गांधी मार्ग से अत्यंत वर्णाढ्य उत्सव रे समाहित होई। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। दिस इज माय फर्स्ट ईयर इन दिस ओडिशा कैडर एंड इट इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी दैट आई हैव बीन नॉमिनेटेड टू कमांड दिस परेड। सेबडे कटक बारवाटी स्टेडियम रे मंत्री विक्रम केशरी आरुख अतिथि भावे जोग दे पताका उत्तोलन करबा सह अभिवादन ग्रहण करिसेंति। चलित वर्ष 4टी कंटिजेंट परेड रे भाग नेछन्ति। विभिन्न क्षेत्र रे उल्लेखनीय अवदान पई चलित वर्ष 32 जना कोरोना योद्धा को सम्मानित करा जाइछि। साधारणतंत्र दिवस रे बिजू जनता दल पक्षरो आज पताका उत्तोलन करा जाइछि। 73तम साधारणतंत्र दिवस रे मो समस्त ओडिशावासी को
धन्यवाद जनाउछि। राज्यर तीनोटी प्रमुख दलीय कार्यालयरे मध्य साधारणतंत्र दिवस निराडम्बर भावे पालित होईछि। बीजेडी कार्यालयरे बीजेडी मुख्यालयर साधारण संपादक संजय दास वर्मा पताका उत्तोलन करथवा बेले बीजेपी राज्य कार्यालयरे राज्य सभापति समीर महांती पताका उत्तोलन करिसेंति। कांग्रेस कार्यालयरे विधायक सुरेश राउतराय पताका उत्तोलन करिसेंति। तेस्तरीतम साधारणतंत्र दिवस अवसर ट्वीट कर राज्यवासी और देशवासी को शुभेच्छा जनाई तीन केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अश्विनी वैष्णव एवं विश्वेश्वर टुडु। भुवनेश्वर रोशन रथ दिव्यज्योति महांती चिन्मयी साहू और स्वप्नांजलि महांती कटकु विश्वजीत दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज। से दिन थिला 2002 मसीहा जनवरी 26 तारीख शनिवार समय सकाळ 9:10। भुवनेश्वर आयोजित राज्यस्तरीय साधारणतंत्र दिवस परेड पर देखा मिलता अभूतपूर्व भिड़। हठात भिड़ भितर शुभिला प्रचंड एक विस्फोरण सांग को चित्कार जनापड़ा। गैस बेलून विस्फोरण में 9 जन गुरुतर होगा सांग को 22 जन आहत होती। आहत मान भेटाप मुख्यमंत्री हस्पिटाल भी गले। मिलला अनेक प्रतिश्रुति घर मिल चाकर मिल समस्त चिकित्सा खर्च मिल सरकार कहले। मात्र सब रहीगला प्रतिश्रुति 20 वर्ष पर भी पीड़ित उपेक्षित अपेक्षा केवल साहाय्य। भुवनेश्वर बापूजी नगर पंजाब नेशनल बैंक पूर्वतन चीफ मैनेजर बीरेन्द्र पटनायक गिरफ होती। बीरेन्द्र सहित दुई सहयोगी गिरफ होती। फील्ड अफिसर नरेन्द्र नायक और मध्यस्थी प्रकाश बेहरा को गिरफ कर क्राइम ब्रांच ईओडब्ल्यू। जाल कागजपत्र जरिया 3,68,00,000 ठकई अभियोग गिरफ होती। ग्राहक डॉक्यूमेंट को भित्ति करी टंका हड़प करते बैंक कर्मचारी 2017 मसीह ठकई होता बेले गत डिसेंबर में ईओडब्ल्यू रे अभियोग होता। राज्य में संक्रमण स्थिति ने स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र प्रतिक्रिया कोविड केबे भी अंत होना वायरस रो गोटे परे गोटे वेरिएंट आसिबो कारण वायरस तार चरित्र बदलाई थाए। अल्फा परे डेल्टा एवं तार सब वेरिएंट आसिला तापरे ओमिक्रॉन एवं तार सब वेरिएंट आसिछि। एमिति भी एबे होइतिबो अनेक नुवा वेरिएंट थिबो आमे जानि नथिबो। ओमिक्रॉन रो प्रभाव कमिगले हुए तो नुवा वेरिएंट आसी परे। वर्तमान भी कोविड उपरे गवेषणा चलीछि जेबे पेंडेमिक बा कोनोसी वेरिएंट आसे बा तळुकु खसे ताहा तळ ऊपर होइथाय। राज्य में वर्तमान संक्रमण तल उपर होबार लगी मात्र एथिपई आतंकित होबार आवश्यकता नहीं बोली से कहते। पैंडेमिक जो सबुदिनिया स्थिति से काली भी कही गोटे दिन संक्रमण कमीगले खुशी होगा कथा ना गोटे दिन संक्रमण से भाव जब बढ़ी जा मानने से आतंकित होबार ना जिते पैंडेमिक खसे सी गोटे तल उपर हो गोटे स्थित के आसिकर खसवा आरंभ कै जदि आपति देखिए आमर 7,000 प्लस पॉजिटिविटी किंतु आप रिकवरी रेट भी देखते आम 10,000 लोक भी रिकवरी कर एक नंबर। दुई नंबर टेस्टिंग आमर कि कम है कल भी आशंका था गोटे दिन 69,000 होगा बोले आज आम 65,000 टेस्टिंग किंतु देखा जदि से पॉजिटिविटी रेट अनुसार आमर हॉस्पिटल रेट को जदि गला गोटे दिन देखा तेल गला कल ठूँ आमर आहरी कम अच्छे किंतु आमर सबुठ भल हम जो किसी दिन प्रोग्रेसिव डाटा देखिकी ताको आनालीसीस करी कहिबा जोटा बढ़ी आज से बढ़ी ना जे आम आतंकित हवा जमी टी आगर कहले तल उपर डिविएशन एक्सेप्टेबल डिविएशन प्लस माइनस होकर चली तेणु आम बारंबार कही आसू आम टे अपेक्षा करवा कि दिन परिस्थिति देखिकी ही आम कह आम बेसी आ चर्चा नक भल प्रजाति कहीं आम जानते जो वेरिएंट अच्छी वेरिएंटा गोटे प्रजाति मान कौन से भाईरसटी तार चरित्र बदलाऊ अल्फा थिला डेल्टा आसला डेल्टार सब वेरिएंट आसिले ओमिक्रॉन आसला ओमिक्रॉन भी वेरिएंट आसला एमती भी किसी वेरिएंट हो पारे वर्तमान भी चली थी पारे जोटा को आम डिटेक्ट करूना नाई भाइरस अंत हुए ना तेपाई मुझे करोना अंत हम बोली कह करोना गोटे रेस्पिरेटरी भाइरस जमती भाइरस कभी अंत हम ना आपे जानते ओमिक्रॉन सरीगला आउ किसी वेरिएंट भी आसी पाए जमी कहली प्रोग्रेसिव फ्यूचर गोटे भाइरस निजर चरित्र बदलवा से आसीपे यहाँ बहुत आर्ली हम कह ओमिक्रॉन सरीगले करोना सरीज।
आगको आउ किछि खबर देखिबा किंतु ए ब्रेक पर ब्रेक परे स्वागत। कटक श्रीविहार कॉलोनी रे राज परिवार रे हत्याकांड पारिवारिक कलह को केन्द्र करी मां को हत्या कला पुओ मृत्युबरण करितेबा महिला को नाम परेश कुमारी भंजदेव मृतक कनिका राजा को नातुनी बहु बोली जना पड़िछे। अभियुक्त पुओ गोपाल भंजदेव को बिडानासी पुलिस गिरफ्त करबा सहित तदंत जारी रखिछे। राज परिवार रे रक्त रोहली मां को हत्या कला सैतान पुओ पारिवारिक कलहर करुण परिणति कटक श्रीविहार कॉलोनी रे पुअर कटोरी चोटरे प्राण हरैछति कनिका रोजांको नातुणी बहु परेश कुमारी भंजदेव। परेश देवी को तांको एकमात्र पुओ गोपाल धारुआ कटोरी ओ अन्य एक मारणास्त्र रे आक्रमण करी हत्या करिछि। पूर्वर मध्य गोपाल परेश देवी को जीवन रु मारि देबाकु उद्यम करथिले एने पुलिस को खबर मध्य दिया जायथिला तबे पुलिस गोपाल को तागिद करी छाड़ी देथिला। आज सकाळ 8टा समय रे एक धारुआ कटोरी रे परेश देवी को आक्रमण करिबा सहित हत्या करथिले। एही समय रे परेश देवी को झियो मध्य घरे उपस्थित थिले। गोपाल को मानसिक अवस्था ठीक नथिबा तांकर भौणी ओ पड़ोसी कहिछन्ति। पाटी तुंड तो मां पुर सबुडे लागी थाए सबुडे कारण होचे प्रॉपर्टी प्लस फैमिली ए दुटा पै तांकर सबुबेले पार्टी तिन दो। आपण इच्छा दे जिन माने बाय करे के बेहितला मोर बाहागर हितला 2012 रे किंतु मो 2 वर्ष हेति रहिले किंतु सबुबेले जीवा आसीबा मोर थाए सबुबेले से पिला राजांगर से फो से तांको मुंडो बहुत आगुर खराब अछि। तांकर पारिवारिक समस्या बहुत अधिक से माने राजा लोक जे खाली खाई पी के बसिबे बुलिबे मजा करबे एमति करथि तेणु यही 10-15 दिन तले से आम घर को मुझे घर आगे रोचे आम घर को जाइए सी जाइए पहुँचे कह कफी पीवा मैडम सोटू आम लोग आसे कफी पी दिं तार बहुत सत कथबार्ता कले विभिन्न समय आमको सी बहुत समय डिस्टर्ब करते जो अफिस् बाहर को पहुँचे कर कफी टी पीवा ना ये समय आम देपर आप जातु तथा लास्ट टाइम तो पार्टी विदा कर दे। गोपाल घोर मानसिक विषाद मध्य गति करुले से जणक परे जणे तीन जणक को विवाह करथिले तांकर उग्र आचरण जको समस्ते छाडी चली जाइथिले। तेले एति पई गोपाल सबबळे तांको मां को दाई करबा सह गाली गुलज करथिले एपरि के आजको 8 दिन तळे मारि देबाकु उद्यम मध्य करथिले। पारिवारिक कलह एवं मां पोंको मदरे मारपीट हेउतिबा स्वीकार करिसथि परेश देवी को बहु एवं पूर्वतन रोसैया। पुलिस एवं फोरेंसिक टीम घटनास्थल रे पहुंची अभियुक्त पुओ गोपाल को गिरफ करबा सह तदंत जारी रखिछि। मु आंको घरे 6 वर्ष आगरु रुसै करूतिली हटात ता पुओ मते भी मारिछि किछि नै मु मोर काम करूतिली एम तो रोटी बेलूतिली पछौड़ आसी मते बार कला मो बेको को भी धर देइतिला सेटा आउ गोटे झीटा थी मंजुला नायक बोलिकी से ता द्वार मुझ बचेली ना से मत भी मारिदे था यहाँ 4-3 वर्ष तलर कथा कहते पर किसी प्रोब्लम जो से रेगुलर झगड़ा झाटी चलता माँ का पुअर ये झीला संगे रोचज ये घर भितर रोते और मेन कारण कौन अच्छी सेटा हमें एस्टेब्लिश करिव और जो अच्छी रेगुलर ये फर्स्ट इंसिडेंस नहीं रेगुलर आगर भी तंकर एमती झगड़ा वगड़ा हेछि और हमें इन्वेस्टिगेशन रे जाना पड़िबो कि आजिर ये सब घटना रा कारण मेन कौन थला घर भितर जे मा पुंको कोली दिने जीवन नै जीव ताकु विश्वास करि पारु ना ती परिवार ओ पड़ोसी। कटकुरु कैमरा पर्सन सुब्रत दास विश्वजीत दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। से संगीत पाई निज जीवन को उत्सर्गीकृत करथिले पारंपरिक शास्त्रीय संगीत ही थिला तांकर जीवन जेउति पई से एबे भारतर सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित हेबा को जाउछंती से आउ केहि नुवंती से हेउछंती कटकर डॉक्टर श्यामामणि देवे
तेबे केमिति थिला तांकर शास्त्रीय संगीतरु पद्मश्री पुरस्कार पर्यंत यात्रा देखंतु ए रिपोर्ट रे। तोरे शरण गली रे मुरली तोरे शरण गली रे मुरली दिने न डाकी राधिका बोली रे शास्त्रीय संगीतरु पद्मश्री भारतर सर्वोच्च सम्मान पाखकु पहुंचेला संगीत कलार निशा ग्रामोफोन रेकर्ड और रेडियोरु आरंभ करि मंच पर्यंत निज स्वररे ओडिसावासीक मन जितिथिबा स्वर सम्राज्ञी डॉक्टर श्यामामणि देवी पद्मश्री पुरस्कार पई मनोनीत होइछन्ते। कटक जिला बांकी ब्लक सुवर्णपुर रे 21 डिसेंबर 1938 रे जन्मग्रहण करिथिबा श्यामामणि देवीक संगीत यात्रा पिला दिनरु ही आरंभ होइतिला। कटक आकाशवाणी ठारु आरंभ करी बॉम्बे आकाशवाणी पर्यंत विभिन्न केन्द्र रे संगीत परिवेषण करी देश विदेश रे ओडिसी और छांद चांपू आदि परिवेषण करी ख्याति अर्जन करिथिले। से केवल ओडिया नुहे से हिंदी गीत रे मध्य निज छाप छाड़िछंती। संगीत पई निज जीवन को उत्सर्गीकृत करिथिबारु एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद रु पद्मश्री पुरस्कार पई से मनोनीत होइछंती बोली कहिछंती। जगन्नाथ कृपारु पाइदि गुरु मानकर अशेष करुणा मो उपरे श्रोता मानकर बहुत श्रद्धा सारा भारतर श्रोता मानकर एते श्रद्धा मो उपरे एते स्नेह एथि जेतकी अछंती सेमाने भी देखुथिबे अबिका देखंतु गजपति ठु आरंभ करिकि काही को गळी संधि गां गंडारु भी सब लोक माने फोन करतन सेटा मते बेसी खुशी लागुछि कारण सत्रे मते एते लोक भल पांती मु आज जानि पारली। परिवार रे संगीतर माहौल बापा राजेंद्र मोहन पटनायक मां निशामणि देवी ओ बड़ बापा कविचंद्र कालीचरण पटनायक समस्ते थिले स्वर साधक। मात्र 12 वर्ष बयसरे शिशु कंठशिल्पी हिसाबरे ऑल इंडिया रेडियो रे गीत गाइबा सहित से संगीत शिक्षा मध्य आरंभ करिथिले। संगीत जादूगर लता मंगेशकर नूरजहान और राजकुमारी देवीक ठारु से संगीत शिक्षा लाभ करिथिले। 2017 मसीहारे ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी सर्वोच्च सम्मान कवि सम्राट उपेन्द्र भच्च सम्मान रे सम्मानित होइतिले श्यामामणि। शास्त्रीय संगीत पई थिबा तांकर अकुंठ अवदान जोगु भारत सरकारक पक्षरु तांकु पद्मश्री पुरस्कार रे सम्मानित करबा पई मनोनीत करा जायछि। एनी खुशी व्यक्त करिछंती तांको पुआ एवं बहु। बहुत खुशी लागो जे बहुत दिन रो पाइबा कथा से किंतु ओसे डेरी रे मिलिछि माने बहुत खुशी न बहुत खुशी बहुत दिन रो अपेक्षा करतलु बहुत खुशी अछु स से ताको डिजर्व भी करंती स माने परिवार हिसाब रे समस्त बहुत तांकर साधना अछि ताको त कहि हेबनि से त सबळ कोंती संगीत मो जीवन बोली त संगीत बिना भी बंची पारिबिनि। आई थिंक एटा सबडो तांका पई बेस्ट संगीत साधना रे निमग्न कंठशिल्पी को मिलिथिपा स्वीकृति कुनी पूरा ओडिसा गर्वित। कटक रु वीडियो जर्नलिस्ट गौतम महांतिंक स इमरान खान क रिपोर्ट अर्गस न्यूज। वर्षा डाकिले मात्रे दौड़ी पळै आसुछि बस कहिले बसुछि आ प्रशांत क सह खेळुछि। प्रशांत तांको निज झियो परी बोतल रे खीर धरी तांको खाइबा को देउछन्ते। आपण माने भावतुबे ए वर्षा जनक किए देखंतु ए रिपोर्ट। आउ एको खैरी स्नेह आदर आकरे हजि जाइछि हिंस्रता मणिष प्रेम रे 6 मासर सिंह शावक वर्षा माँ पिलाठ भी बड़ उदाहरण मनीष एवं पशुर एक संपर्क कथार अच्छी स्नेह आदर आगे शत्रु भी वशीभूत होता है जहाँ भुवनेश्वर से देखा मिली। जन्म पर माँ निज ममतारू वंचित रखि बेले नंदनकानन पशुपालक प्रशांत गौड़ स्नेह पाखे निज पशु प्रवणता को बिकिदेई 6 मासर सिंह शावक वर्षा। दीर्घ 6 मास तले सम्राट और बिजली औरसरु जन्म नहीं वर्षा कौन सी कारण माँ सिंह निज छुआ वर्षा को पाखरे पसाऊ नथुबा बेले सिंह छुआटी को आदर नहीं पशुपालक प्रशांत जे जे अनुसार माँ तक मान पालन करने कथा से अनुसार दिस एनिमल कीपर
ହାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଅଲ୍ ଦ କେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେଟେନାରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେ ରେଗୁଲାର ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ ସୋ ସେ ବି କରିଥିଲେ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ଯେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯେ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନିଂ ହେବା କଥା ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ହି ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ଟିମ୍ ହାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଯେ 1.2 କେଜି ତାଙ୍କର ବର୍ଥ ୱେଟ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ନାଓ ଇନ୍ 6 ମନ୍ଥ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନାଓ ଓଭର 20 kg, 20.something ସୋ ଯେ ଯେ ଅନୁସାରେ ଲାଇନ୍ ଛୁଆରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କର୍ଭ ରହିବା କଥା ଯେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ରହିବା କଥା ସୋ ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ଗୋଇଙ୍ଗ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁ ମଣିଷର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ଼ ହୋଇସାରିଛି ଏମିତିକି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଧାଇଁ ଆସୁଛି ବର୍ଷା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ସନ୍ତାନ ପରି ସିଂହ ଛୁଆଟିକୁ ଗାଧୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୁଆଇଦେବା ଭଳି ସବୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ଷା 6 ମାସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଇ ଦିନ ପରେ ସେ ଖୁଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ସିଂହ ଛୁଆ ଆଗକୁ ନିଜ ବଳରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛି ସିଂହ ଛୁଆଟାର ଯେତେବେଳେ ତା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା 3 ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା 3 ଛୁଆରୁ 2 ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋତେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମିଳିଥିଲା ବର୍ଷାର ବର୍ଷାକୁ ମୁଁ ଆଜିକି 6 ମାସ ହେଲା ତା ପାଖରେ ରହୁଛି ତାକୁ ତା'ର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତା ଯତ୍ନରେ ଆଉ ତା'ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଧରିକି 24 ଘଣ୍ଟା ତା ପାଖରେ ରହିକି ତା'ର ତାକୁ ରାତିରେ ବି କ୍ଷୀର ଦିଆହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ଦିନକୁ 12 ଲାଗେ କ୍ଷୀର ଦିଆହେଉଥିଲା ଆଉ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଉଛି ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସବଳ ଅଛି ମାଂସ ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲାଣି 6 ମାସ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଆଉ ଏବେ ତା ମା ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଲୋଭ ପାଇଁ ମଣିଷ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ହେଲେ ମଣିଷ ଓ ସିଂହ ଛୁଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପର୍କ ବିରଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 7575 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ABBP ଶାଖାର କର୍ମୀମାନେ ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପୁରୀକୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆଲୋକ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସେଠାରେ 7575 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ABBP ଶାଖାର କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି 7575 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପୁରୀ ଶାଖା ତରଫରୁ 7575 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ABBP କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାର ମନ୍ଦାକିନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୀପରେ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି ଦୀପରେ ହିଁ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏ ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏ ପଦକ୍ଷେପର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ABBP ଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ABBP ସଜା ହେଇଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଦୀପରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ସଜା ଯାଇଛି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି କି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିବା ସେହି ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ କି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁକା ଏହି ସମସ୍ତ ଦୀପ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ABBP ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ରହିଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆମ ଭାରତ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବିଘଟିତ ହୋଇଅଛି ଆଗକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଏ ଭାରତକୁ ସମସ୍ତେ ଅଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଭାଗ ଭାଗ ରହିଛି ଆଉ ଭାଗ ରହିବ ନାହିଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ 73ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଏହି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନିଆରା ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ନିଆରା ଭାବେ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ଏହିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଧେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଅମର ଯବାନମାନଙ୍କ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ପାଖାପାଖି ଏଠାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କି 7575 ଦୀପ ଲାଗିବାର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଆମେ ଚିନ୍ତା ବି କରିଥିଲୁ ସେ ବିଷୟରେ
निश्चित मंदाकिनी आप जहाँ प्रतिक्रिया देखुले देखुं पूरापूरी गुंडीचा मंदिर नाकचणा द्वारा परिवेश 7575 दीपे संपूर्ण रूप प्रज्वलित अखंड भारत जो नारा देखते एबीवीपी कर्मकर्ता मैंने पूरी शाखा तरफ निश्चित भाव ये गोटे निरा प्रयास कारण आम के नजर देखिना प्रथम थर पर अखिल निश्चित भाव में आलोक जो भाई भाव में आलोचना करूँ जो दृश्य आम देखु निश्चित भाव में साधुवाद दबा आम एबीवीपी शाखार कर्मी मानक कारण एभली एक निरा पदक्षेप से अपने बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपणकर तमाम आलोचना पर वर्तमान समय सर बुलेटिन को ये रखा नमस्कार।